अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुदा ब्यूटी कॉस्मेटिक। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। जी तो जनाब, जैसे कि मैं पहले भी ये वीडियो लेकर आई थी आप लोगों के लिए कि भाई अपने टाइम की बचत करें और जो है वो पार्लर में, जैसे कि अभी पता है आप लोगों को कि ईद के दिन जो है वो करीब होते जा रहे हैं, तो भाई चांद रात को लग जाना है पार्लरों में, रश और हो जाना है हमारा टाइम वेस्ट, क्योंकि रश इतना होता है कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करते करते सुबह ही हो जाती है हमारा टाइम आते आते, तो हमारा हो जाता है भाई टाइम पूरा का पूरा वेस्ट, और हमें फिर सुबह उठ के तैयारियां भी करनी होती है, इस बीच में थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है, क्योंकि फिर अगले दिन उठ के ईद वाले दिन सारा दिन हमने काम काज बच्चों को मुँह देना होता है। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी मेहंदी स्टिकर्स की, अगेन मैंने जो है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारे ये पूछा था कि भाई ये स्टिकर्स यूज़ कैसे होंगे, कहीं हमें ये बता दें। तो आज की वीडियो जो है वो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ कि भाई मैं इसमें आपको ये स्टिकर्स यूज़ करने का तरीका बताया जा रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जब तक वीडियो आगे बढ़ती है तब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले मज़ीद जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जनाब कमेंट करके ज़रूर बताया करें और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आपके साथ साथ उन व्यूवर्स तक भी हमारी वीडियो पहुंच जाए जिनके पास हमारे जो है वो वीडियोस लेट पहुंचती हैं और वो हमारे ऑफ़र्स से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो लाजमी लाजमी शेयर किया करें। और जनाब जैसा कि मैंने बताया था कि बआसानी आप इसको जो है घर पर खुद यूज़ कर सकते हैं और ये रीयूज़ेबल है, तो आप इसको एक से दो बार, दो से तीन बार, अगर आप इस स्टिकर को तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं तो दो से तीन बार आप लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पार्लर के जो है वो एक टाइम का जो ख़र्चा है उसका, एक टाइम का ख़र्चा यहाँ से करके आप जो है वो तीन चार हाथों पे आराम से अपनी मेहंदी लगा सकते हैं, तो वहाँ जाएँगे टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी जाएँगे और यहाँ आपको हर तरह की बचत हो जाती है। तो चलें जनाब, ये देखें, यहाँ आपको शो किया जा रहा है इस तरीके से स्टिकर्स को आपने हैंड पे लगाना है और उसके ऊपर मेहंदी को जो है वो आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करके और इसको ड्राई होने के बाद इस तरीके से उतार देना है। ये लें जनाब, आपकी जो है वो खूबसूरत से डिज़ाइन आपके हाथ पे रेडी हो गए। ये दूसरा डिज़ाइन भी शो करवा दिया जा रहा है आपको, ये देखें, ये इस तरीके से यूज़ होगा। ये लें भाई, हो गया आपका जो है ना ये मेहंदी किस तरीके से लगेगी स्टिकर्स के थ्रू, और बहुत ही प्यारे से डिज़ाइंस हैं, बल्कि अभी तो छोटी बच्चियों के डिज़ाइंस भी आ गए हैं, कि अब बाज़ अवत ऐसा होता है हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे साथ पार्लर में बैठी होती हैं, हमने भी मेहंदी लगवानी होती है तो वो उनके भी, बच्चों की भी नींद ख़राब होती है, फिर बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ आपका बच्चियों के भी डिज़ाइंस मिल जा रहे हैं, घर पे आराम से आप अपनी बच्चियों को भी लगाएं, खुद भी लगाएं, अपना टाइम भी बचाएं और पैसे की भी बचत करें, और सबसे बड़ी मज़े की बात कि आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाए, ताकि आप लोग अपना आराम से इन सब तैयारियों से फ्री होकर सुबह की तैयारी भी कर लें। तो चलें जी, हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, स्पेशली दुआओं में रखिएगा, मुझे भी याद दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।